आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सुंदर घने और लंबे बाल हर किसी की चाहत होती है, और लंबे ना सही तो चमकदार और सॉफ्ट बाल तो सभी को चाहिए, फिर चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालों को हमेशा खूबसूरत बनाए रखने के लिए हमें भारी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हाल ही में बालों के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करते हुए एक हैरान कर देने वाला तथ्य हासिल हुआ है, जिसके मुताबिक बाल स्वयं केरोटीन नामक एक प्रोटीन तत्व से बने हैं। तो यदि बालों की खूबसूरती बढ़ानी है तो हमें अधिक से अधिक प्रोटीन चाहिए, फिर वह चाहे खाद्य पदार्थ के जरिए हो या फिर प्रोटीन युक्त पदार्थों को बालों पर इस्तेमाल करके प्राप्त किया जाए। यदि आप बालों को आकर्षक और सुंदर बनाने की चाहत रखते हैं तो हम यहाँ पे कुछ आपको टिप्स दे रहे हैं। यदि आप इन निर्देशों को पूरी सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हमें आशा है कि न केवल आपके बाल खूबसूरत हो जाएंगे, साथ ही में उनके टूटने और झड़ने की दिक्कत भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं, जब कभी हमारे बाल टूटते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं और झड़ना आरंभ कर देते हैं तो इसका दोष हम प्रदूषण या फिर बदलते मौसम को देते हैं। लेकिन सारी गलती वातावरण की नहीं है, हमारे द्वारा कम पौष्टिक आहार लेना एक बड़ा कारण है। इसीलिए इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज ही नहीं बल्कि अभी से खाने में प्रोटीन तत्वों को शामिल करें। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं, स्वयं गूगल करके भारी मात्रा में प्रोटीन से लैस खाद्य पदार्थों के बारे में जान सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम उन फलों और सब्जियों की एक लिस्ट तैयार कर लें जिनमें अधिक संख्या में प्रोटीन मौजूद हो। किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर यह आप जान सकते हैं कि आपकी बॉडी के अनुसार आपको कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है, क्योंकि सही मात्रा में अधिक प्रोटीन लेना नुकसानदेह भी हो सकता है। इसकी वजह से कई बार त्वचा पर एलर्जी भी हो सकती है, इसीलिए सावधानी से प्रोटीन लें। दूसरा तरीका है जिससे आप बाल को प्रोटीन दे सकते हैं, वह है सही शैम्पू का प्रयोग। इसके लिए हम एक आसान सलाह देना चाहेंगे, ध्यान रहे कि जब भी आप मार्केट से शैम्पू खरीदने जाएं तो उस पर दिए निर्देशों में ये जांच कर लें कि शैम्पू में केराटिन एवं सिल्क प्रोटीन मौजूद है या फिर नहीं। लेकिन बालों को सुंदर एवं मजबूत बनाने के लिए कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता है ये आप जानते हैं, इस बात की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विशेषज्ञों की राय में निश्चित मात्रा से बढ़कर प्रोटीन लेने से हमारे बाल खराब भी हो सकते हैं। तो सही मात्रा में प्रोटीन, अब रोज़ाना हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं वह कैलोरी युक्त होते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए कैलोरी फूड में सही मात्रा में प्रोटीन कैलोरी होनी चाहिए। यदि आप दिन में 2000 कैलोरी फूड लेते हैं तो कम से कम 600 कैलोरी प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ उसमें होना चाहिए, तभी आपका शरीर सही मात्रा में प्रोटीन युक्त कहलाएगा। लेकिन इससे अधिक प्रोटीन ना लें, क्योंकि हमारे रोजाना के आहार में 25-30% प्रोटीन बिल्कुल सही कहलाता है, लेकिन अगर इससे ऊपर हो जाता है तो खतरे की घंटी हो सकती है। एमिनो एसिड, प्रोटीन के अलावा शरीर में मौजूद एमिनो एसिड भी बालों की मजबूती के लिए जिम्मेदार होता है, इसे भी कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आवश्यक एमिनो एसिड से बाल झड़ते नहीं और जड़ों को मजबूती से पकड़े रहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि यदि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है जिसके चलते आपके बाल छोटे, कमज़ोर और मुरझाए हुए रहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ बताए जा रहे खाद्य पदार्थ अपने रोजाना के आहार में शामिल करें। यदि आप मांसाहारी भोजन ग्रहण करते हैं तो कल से ही मटन, मछली और अंडे खाना आरंभ कर दें। अंडा तो आपके रोजाना की डाइट में कम से कम सुबह एक अंडा सुबह की डाइट में होना ही चाहिए। लेकिन यदि आप शाकाहारी हैं तो आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। शाकाहारी भोजन में चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूँ, मक्का आदि में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इन्हें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने रोजाना के खाने में शामिल कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणों से
खाद्य पदार्थ के जरिए सही मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पा रहे तो सीधा बालों पर प्रोटीन युक्त पदार्थ लगाएं, जैसे कि अंडे के प्रयोग से बालों को धोना एक अच्छा साधन माना गया है। और सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि वह है सही नींद लेना, साथ ही समय पर व्यायाम करना भी ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बनाए रखने में बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।